बसमिलीम असल स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वेरिएबल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एज़ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर कॉलेज़ के यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में टाइप्स ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हमारे पास वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनमें लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल टाइप्स ऑफ वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ अ लाइफ टाइम एंड अ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल लाइफ टाइम हम किसे कहते हैं द टाइम इन विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमरी इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें एक वेरिएबल मेमरी में मौजूद रहता है वो टाइम पीरियड लाइफ टाइम कहलाता है और ये भी हम कह सकते हैं लाइफ टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल इज़ इन अ वैलिड स्टेट यानी कि जब हम किसी वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं अगर वो वेरिएबल मेमोरी में मौजूद होगा तो फिर हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि वो वेरिएबल की क्या होगी वैलिड स्टेट होगी सेकंड कंसेप्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल द रीजन और एरिया इन विच अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल इज कॉल्ड स्कोप ऑफ अ वेरिएबल यानी कि वो एरिया वो बाउंड्री जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं वो उसका स्कोप कहलाता है वट इज़ अ लोकल वेरिएबल अ लोकल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल डैट इज़ डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक और विद इन अ फंक्शन जब हम किसी वेरिएबल को किसी ब्लॉक में या किसी फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है a local variable is a variable that is only accessible within a specific part of the program जिस ब्लॉक में जिस फंक्शन में आपने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है आप सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक में उसी फंक्शन में लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अ ल लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज आइदर अ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन और इज एन आर्गूमेंट पास टू अ फंक्शन जब हम किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है जब हम किसी वेरिएबल को एज एन आर्गुमेंट किसी फंक्शन को पास करते हैं तो वो जो आर्गुमेंट होता है वो भी हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है अगर हम लोकल वेरिएबल के लाइफ टाइम की बात करें लाइफ टाइम ऑफ आर लोकल वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक जब आप ब्लॉक में एंटर होंगे लाइफ टाइम जो है लोकल वेरिएबल की स्टार्ट होगी जैसे हम ब्लॉक से बाहर आएंगे हमारा लोकल वेरिएबल जो है वो डेड हो जाएगा उसकी मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी इसका मतलब ये है कि जो लाइफ टाइम है लोकल वेरिएबल का वो विद इन अ ब्लॉक विद इन अ फंक्शन है आउटसाइड द फंक्शन आउटसाइड द ब्लॉक हम उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल जो है मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता स्कोप ऑफ अ वेरिएबल लोकल वेरिएबल वी कैन ओनली एक्सेस द लोकल वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक वी कैन नोट एक्सेस आउटसाइड द ब्लॉक यानी कि लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो विद इन अ फंक्शन है विद इन अ ब्लॉक है आउटसाइड द फंक्शन आउटसाइड द ब्लॉक लोकल वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल डैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शन ऑल ब्लॉक्स यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसको हम मेन फंक्शन से और तमाम फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल का नाम देते हैं अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के लाइफ टाइम की बात करें द लाइफ टाइम ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज़ थ्रू आउट द प्रोग्राम यानी कि जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और जब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता ग्लोबल वेरिएबल जो है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ प्रोग्राम यानी कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा ग्लोबल वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी और जब हमारा प्रोग्राम जो है अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा तब ग्लोबल वेरिएबल की मेमोरी जो है वो लॉस्ट होगी अगर हम स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल की बात करें ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है इट कैन बी एक्सेसिबल एवरीवेयर इन द प्रोग्राम आप किसी भी फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है एग्जाम्पल से हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक है इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंड एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी आउटसाइड द टेस्ट फंक्शन और आउटसाइड द मेन फंक्शन तो ग्लोबल वेरिएबल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऐसा वेरिएबल जिसको हम आउटसाइड ऑल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं दैट वेरिएबल इज़ नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल तो ये वेरिएबल हमारा क्या है ग्लोबल वेरिएबल है इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने मेन की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टेम्प इज इक्वल टू टेन ये हमारे पास टैंप जो है ये लोकल वेरिएबल है किसका मेन फंक्शन का इस वेरिएबल को हम विद इन अ ब्लॉक एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द ब्लॉक हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इसका स्कोप जो है वो लोकल है विद इन अ ब्लॉक दिस वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है इसमें हम लोग एक्स वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है इसको किसी भी फंक्शन में हम एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पर जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी एक्स इक्वल टू हंड्रेड तो ये हमारे पास लीगल स्टेटमेंट है बिकॉज एक्स जो है ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं टेम्प इजकल टू ट्वेंटी तो टेम्प बेसिकली क्या है मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है तो इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स डेट आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शंस और लोकल वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर विद इन अ ब्लॉक अगर हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करें स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर एज स्टैटिक देन अ सिंगल कॉपी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड यानी कि जब हम कोई वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी जो है वो क्रिएट की जाती है और उस कॉपी को शेयर किया जाता है अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास अ स्टैटिक वेरिएबल इज अ वेरिएबल वेरिएट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक जब हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम लोग नाम देते हैं किसका स्टैटिक वेरिएबल का इसका सेंटेक्स हमारे पास क्या होता है स्टैटिक लिखेंगे उसके बाद डेटा टाइप बताएंगे और उसके बाद हम लोग ने वेरिएबल नेम बताना है द स्पेस फॉर द स्टैटिक वेरिएबल इज एलोकेटेड ओनली वन टाइम एंड दिस इज़ यूज फॉर द इंटायर प्रोग्राम यानी कि जब हम एक दफ़ा स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको वन टाइम मेमरी एलोकेट की जाती है और जब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता स्टैटिक वेरिएबल जो है इसकी मेमरी लॉस नहीं होती इन सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि लाइफ टाइम जो है स्टैटिक वेरिएबल का इट इज़ जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल जब हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इसको मेमोरी एलोकेट की जाती है और थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट करती है जब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता वंस द स्टैटिक वेरिएबल इज़ डिक्लेयर इट एग्जिस्ट टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक इसकी मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है अगर हम स्कोप ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो इसका स्कोप जो होता है वो जस्ट लाइक अ लोकल वेरिएबल होता है जिस ब्लॉक में जिस फंक्शन में आप स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक में उसी फंक्शन के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द ब्लॉक जो है आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते स्टैटिक वेरिएबल की एग्ज़म्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोगों ने एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू हमने इनिशलाइज़ की किसे ज़ीरो के साथ ये हमारे पास एक टेस्ट फंक्शन है इस टेस्ट फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर हम लोगों ने जो वेरिएबल है इसको ज़ीरो से इनिशलाइज़ किया और यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ मेन फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को टू टाइम्स जो है वो कॉल कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको मेमोरी असाइन की जाएगी इसको मेमोरी मिलेगी और इसकी मेमोरी जो होगी उसमें वैल्यू पड़ी होगी दैट इज़ अ ज़ीरो राइट यहाँ पर ये ज़ीरो वैल्यू पड़ी होगी और जैसे हमारे पास यहाँ पर प्लस प्लस वेरिएबल होगा इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये वन हो जाएगी दैट इज़ अ वन और उसके बाद सी आउट वेरिएबल यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिस्प्ले किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा वन डिस्प्ले होगा इसके बाद अगेन जब हम टेस्ट को कॉल करते हैं तो अब ये दोबारा से वैल्यू हमारी इनिशलाइज नहीं होगी क्योंकि इसको एक दफ़ा मेमोरी मिल चुकी है तो हम लोगों ने यही डेफिनेशन पढ़ी कि स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास ऐसा वेरिएबल होता है जिसको वन टाइम मेमरी एलोकेट की जाती है और वो मैमरी आपकी थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िस्ट करती है तो अब दोबारा से इस वेरिएबल की जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें इंक्रीमेंट होगा अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी और यहाँ पर सी आउट वेरिएबल एंडल और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा वो टू जो होगा वो हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा तो यहाँ पर अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो, देखे, तो वै वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ टू तो यहाँ पर हमारे पास वन और टू जो है ये वैल्यू हमारी क्या होगी डिस्प्ले होगी अगर हम थर्ड टाइम कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ़ वेरिएबल जो होगी वो हमारी थ्री जो है वो डिस्प्ले होगी अगर हम फोर टाइम कॉल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो फोर डिस्प्ले होगी तो इसका मतलब यह है कि स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको वन टाइम मेमोरी एलोकेट की जाती है और थ्रू आउट द प्रोग्राम फिर हम उसी मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं एक्सेस कर रहे होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद क्लासेस एन इंस्टेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल डिफाइंड इन अ क्लास दैट इज अ मेंबर वेरिएबल दैट इज अ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास जब हम किसी क्लास में किसी डाटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को किसी मेंबर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेंबर वेरिएबल जो होता है वो उस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है एंड इंस्टेंस वेरिएबल इज सिमिलर टू क्लास वेरिएबल बट इज़ नॉन स्टैटिक इससे आगे हम पढ़ेंगे क्लास वेरिएबल क्या होता है अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा होता, होता, होता है तो इंस्टेंस नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है एन इंस्टेंस वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इन अ क्लास बट आउटसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर मैथड और ब्लॉक हम क्लास के अंदर अपना इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं लेकिन किसी कंस्ट्रक्टर में मैथड में और ब्लॉक में इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता इसका मतलब यह है कि वो क्लास वेरिएबल क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दैट इज नोन एज अ इंस्टेंस वेरिएबल अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर में किसी मेथड में किसी ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल होगा वो बेसिकली क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा इंस्टेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं साथ ही हमारे इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो भी क्रिएट होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं लॉस्ट करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल की मेमरी जो होती है वो भी लॉस्ट हो जाती है तो अगर हम लाइफ टाइम ऑफ ऑफा इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ टाइम जो है जब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में अवेलेबल रहता है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो भी मेमोरी में अवेलेबल रहते हैं जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय होता है इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो भी हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर हम स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो थ्रू आउट द क्लास हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट स्टैटिक मैथड और स्टैटिक फंक्शन यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं इनको हम स्टैटिक मैथड्स और स्टैटिक फंक्शंस के अंदर यूज़ या एक्सेस नहीं कर सकते दैट इज़ द स्कोप ऑफ अ इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल जो हैं थ्रू आउट द क्लास यूज़ किए जा सकते हैं एक्सेस किए जा सकते हैं लेकिन स्टैटिक मैथड और स्टैटिक फंक्शंस के अंदर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते क्लास वेरिएबल क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं ऐसे वेरिएबल जिनको हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्लास में डिक्लेयर करते हैं दीज वेरिएबल्स आर नोन एज अ क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल जो होते हैं इनको वन टाइम मेमरी जो है वो एलोकेट की जाती है पर क्लास यानी कि जब हम कोई वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक दफा मेमोरी एलोकेट की जाएगी और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उस मेमोरी को शेयर करेंगे यानी कि जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है वो आपका शेयर्ड वेरिएबल होता है अमोंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स अगर हम लाइफ टाइम ऑफ ऑफा क्लास वेरिएबल की बात करें तो अंटिल द एंड ऑफ प्रोग्राम थ्रू आउट द प्रोग्राम जब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल जो है इसकी मेमोरी जो है वो लॉस्ट नहीं होती स्कोप इसका क्या होता है थ्रू आउट द क्लास हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास वेरिएबल को और स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम डायग्राम से देखें तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं एक हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड के साथ है इसको हम स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं और जो हमने वैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया विदाउट स्टैटिक नॉन स्टैटिक जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज़ नोन एज अ इंस्टेंस वेरिएबल तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये हमारा क्लास वेरिएबल भी कहलाता कहलाता है और स्टैटिक वेरिएबल भी कहलाता है जबकि जो हमारे पास इंट भी हमने वेरिएबल लिखा है इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं इसी तरीके से इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ये हमारे पास इस फंक्शन का क्या है लोकल वेरिएबल है तो आज तक के लिए इतना ही अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा बहुत शुक्रिया हाफिज़